जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, जिसमें लोग सेट 6 जेड भी आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको बस ये दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में आर बराबर 1 1 2 2 3 4 5 6 7 एक संबंध है तो नियमित में सही संबंध है। तो पहला कह रहा है संबंधहीन, तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें संबंध है, क्योंकि सभी का सभी अब सभी में है, इसका मतलब है स्वतंत्र संबंध है। फिर दूसरा कहा तुच्छ संबंध, तो ये तो कोई संबंध ही नहीं तुच्छ संबंध। तीसरा का तुलित संबंध, चौथा का रिक्त संबंध, तो रिक्त संबंध तो मतलब कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा ऑप्शन सही जाएगा आपका, तुलित संबंध। फिर एक खा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रतिफलन f such that r tends to r एक है कि आच्छादक है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक खा, उत्तर एक का खा, तो fx बराबर हमारे पास दिया गया है 2x, तो इसको अगर हम लोग fx 1 कर ले, fx 1 तो ये हो जाएगा 2x 1, इसको अगर fx 2 कर लो तो ये हो जाएगा 2x 2, दोनों को बराबर कर लो हम लोग जानते हैं, तो fx 2 बराबर 2x 2, तो 2 से 2 कैंसिल मतलब 1 बराबर है, तो xn 1 बराबर x2, तो ये क्या है, एकाकी है, हम लोग कहेंगे फलन एकाकी है। आच्छादक के लिए हम लोग मानते हैं या प्लस माइनस से दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो माना fx बराबर हम लोग मान लेंगे y, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा y, तो x बराबर क्या आ जाएगा y बटे 2, तो अर्थात ये जो y बटे 2 है, अगर आपका इसका मान x का मान y के बदले ज्ञात करना ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आच्छादक। तो अतः यह है आच्छादक है, आच्छादक में y के पदों में यानी x का मान निकालना, y के पदों में आंसर लाना आच्छादक कहलाता है। इसके बाद एक का घा कह रहा है कि sin 2x cos 3x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो उत्तर एक का घा, उत्तर एक का घा इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x dx, तो हम लोग लिखेंगे 2 का गुणा व भाग करने करने पर ये होगा 2 sin 2x, नहीं cos को पहले लिखो, cos वाली संख्या ज्यादा है, 2 cos 3x sin 2x dx। ठीक, इसमें फार्मूला लगाओगे आप लोग 2 cos a sin b का, जो कि फार्मूला है sin a plus b minus sin a minus b का। ठीक, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार 1/2 sin ये दोनों जुड़कर हो गया 5x माइनस ये दोनों घटकर हो गया x dx, समाकलन कर लो 1/2 sin 5x का हो गया माइनस कॉस 5x बटे 5 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन x का हो जाएगा कॉस x। ठीक, कॉस x। अब आंसर आपके पास किस रूप में दिया गया है वैसे देख लेते हैं, आपके पास सब में 10/5, ठीक 10/5। देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका एक का गा तो इसको गुणा करके दिया गया है, तो इसको गुणा करोगे तो माइनस का कॉस 5x/10, ठीक है, प्लस 1/2 cos x, पहले ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, इसके बाद एक का घा तो उत्तर एक का घा ये लिखा है कि a वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण को रट लीजिए, पूछा जाता है। देखो इसका पहले परिमाण निकालते हैं,
ए वेक्टर बराबर ये हो जाएगा परिमाण में इसके और गुणांकों का वर्ग लिखते हैं, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक अर्थात तीन, तो वी वेक्टर का परिमाण भी आ जाएगा तीन। अब बीच का कोण पूछा गया है, क्या पूछा गया बीच का कोण, तो बीच का कोण कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट ए मॉड ए वेक्टर, चलो आगे लिख गया बी, कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो बी आगे नहीं लिखोगे प्लस बी पहले लिख गया तो बस हटा नहीं रहे उसको, तो कॉस थीटा बराबर अब इन दोनों का गुणा, तो डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं, तो डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं हम लोग, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक बटे हो गया अंडर रूट तीन इंटू अंडर रूट तीन, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर माइनस एक बटे अंडर रूट तीन। अब ये कॉस किसका मान है, है किसी का मान, किसी का मान नहीं है, तो रहने तो किसी का मान नहीं है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक बटे अंडर रूट तीन, तो यही दोस्तों आंसर हो गया। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर एक का इंग्या, नंबर एक का इंग्या, तो लिखोगे बोलो उत्तर एक का इंग्या नंबर, ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स प्लस वन बराबर जीरो की घात है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन हमने हर बार आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया हमने, हमने आपको पढ़ाया है कि जिस जितने बार अवकलन उतने बार घात, मतलब उतना ही कोटि यार उसकी घात, जिसकी कोटि उसकी घात, तो कितने बार अवकलन किया गया है, दो बार अवकलन, तो उसकी घात तीन, कोटि दो, लेकिन इसमें कंडीशन लागू हो गया साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि डेरिवेट नहीं है, अवकलन नहीं है, और ये अपरिभाषित हो गया, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपके पास तीसरा नंबर परिभाषित नहीं है, ठीक है तीसरा नंबर ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, डेरिवेट नहीं है ना, ये परिभाषित नहीं है, अवकलनीय नहीं है ना, जब अवकलनीय नहीं है तो परिभाषित नहीं है, तो अपरिभाषित है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का का, दूसरे का का देखो, तो लिखोगे उत्तर दूसरे का, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स यक्स हमें सिद्ध करना है, साइन इनवर्स यक्स बराबर नहीं माइनस है यहां पर, माइनस साइन इनवर्स यक्स, और इसका परास दिया गया यक्स बिलोंग्स टू माइनस वन वन, ऐसे कंडीशन मान लो, माना साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर हमने मान लिया वाई, ठीक, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस यक्स बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, इस माइनस को उधर भेजो तो माइनस यक्स बराबर नहीं प्लस यक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स वाई। हम लोग जानते हैं कि यहां पर यक्स बराबर इसको कर सकते हैं साइन इनवर्स माइनस वाई, माइनस वाई क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो इसको अंदर डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं ना। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो गया माइनस वाई, माइनस वाई बराबर ध्यान रखना कि माइनस वाई, अगर माइनस वाई इधर का हो गया तो इसमें माइनस साइन इनवर्स माइनस यक्स हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं इसकी बात, ठीक। अब लोट पोट के फिर से यहां पे आ जाओ, फिर से यहां पे आ जाओ, यहां समझ लो, यहां पर माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह आप लोग क्या लिखोगे, माइनस वाई की जगह आप लोग साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखोगे, इस माइनस को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही दोस्तों जो है
प्रूफ करने के लिए कह रहा था, प्रूफ हो गया फटाफट 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 शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे दूसरे का खा। देखो दूसरे का खा में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर दूसरे का खा। वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, जहाँ ए बी बिलोंग्स है आर से, अवकल समीकरण हमें प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दो इसमें हम लोग कितने बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, और दो बार अवकलन करके हमें ये लाना है। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो वाई का अवकलन हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स का आपको पता है माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसमें ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू वाई ये हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो माइनस का बी साइन एक्स, माइनस ले लो कॉमन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसका मान है, वाई का मान है ना, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, अर्थात हम लोग कहेंगे कि इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। दोस्तों यही प्रूफ करना था, यही दोस्तों जो है प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरे का गा नंबर, एफ टेंस टू एफ सच दैट आर टेंस टू आर और जी सच दैट आर टेंस टू आर फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर, तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर, हाँ तो लिखोगे उत्तर दूसरे का गा, इसमें लिखा गया है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, गॉफ भी आपको ज्ञात करना है, फॉग भी आपको ज्ञात करना है। ठीक, देखो सबसे पहले कि गॉफ एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो गॉफ एक्स बराबर फार्मूला होता है जी को लिखोगे, इस ओ को हटाओगे, बड़ा कोष्ठक लगाओगे और एफ एक्स को लिखोगे। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया, जी को जी लिखो, एफ एक्स की जगह क्या मान रखोगे, एफ एक्स का मान है कॉस एक्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब यहां पर जी है तो ये एक्स है, तो यहां पर तीन के गुणा में एक्स स्क्वायर हुआ, तो तीन के गुणा में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास गॉफ एक्स। फॉग एक्स के लिए क्या करोगे आप लोग, फॉग एक्स एफ लिखोगे, इस ओ को हटाओगे और जी एक्स लिखोगे। ठीक, एफ एक्स एफ एक्स। अब देखो एफ को दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, फिर से एक बार बताते हैं, फिर से एक बार समझो, एफ को लिखोगे ओ को हटाओगे बड़ा कॉस्ट लगाओगे या लिखोगे जी एक्स। अब एफ को लिखो जी एक्स की जगह मान लिखोगे आप लोग तीन एक्स स्क्वायर, यहां पर जो है वो कॉस के गुणा मापांक में है, तो यहां पर जो है वो कॉस के मापांक हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस तीन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया फॉग एक्स के लिए आंसर। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कह रहा दर्शाइए कि एफ एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, तो लिखोगे उत्तर दूसरे का घा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और ये वन, और ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। ठीक है, एक नंबर का है इसलिए हम एलएचएल और आरएचएल से ये करना पड़ता है, उससे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं। संतत तभी होता है जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो। ठीक है,
हमने डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, इसको ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो एल एच एल ले लिया इसको लेफ्ट हैंड दाएं पक्ष की सीमा। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस तीन, हमारे पास एक्स बराबर जीरो पर दिया गया है, तो ये हो गया जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर प्लस तीन अर्थात तीन, हमने आर एच एल इसको मान लिया इसको, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास वन, तो ये जीरो लोगे तो भी हो जाएगा वन। तो देखो ये वन और ये थ्री बराबर है, नहीं है ना, थ्री और वन आपस में बराबर नहीं है, तो एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है, ठीक, एक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है। क्वेश्चन दूसरे का हिंग्या नंबर है, दूसरे का हिंग्या नंबर दिया गया है पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब बराबर होगा दो घटनाएं, तो देखो पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए ये दिया गया है। सवाल नंबर दूसरे का इंग्या, तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का इंग्या पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए। फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसका फार्मूला है ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, हाँ जो बटे में होता है वही बटे में रहता है, इसका फार्मूला भी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, बटे पी बी नहीं पी ए, जो बटे में होता है वही आएगा, इससे ये कैंसिल अर्थात पी बी और पी ए बराबर है, तो पी ए बराबर पी बी कौन सा सही है, चौथा नंबर सही है, कौन सा सही है आपका, चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना, तीसरा नंबर एफ एक्स बराबर, देखो उत्तर तीसरे का, तीसरे का एफ एक्स बराबर चार एक्स प्लस तीन बटे छ एक्स माइनस चार, और इन्होंने कहा एक्स का मान दो बटे तीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं लाएंगे। फॉप एक्स बराबर एक्स प्रूफ करना है, फॉप एक्स बराबर एक्स प्रूफ करना है, फॉप एक्स बराबर एक्स, तो फॉप एक्स ले लो, फॉप एक्स के लिए फार्मूला क्या हो जाए, तो एफ इसको हटाओ और एफ एक्स को लिखो, समझ ना, एफ को लिखेंगे एफ एक्स का मान चार एक्स प्लस तीन बटे छ एक्स माइनस चार, खेल यहां से चालू होता है, थोड़ा समझना, ब्लैक मार्कर से हल कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे हल करने वाले हैं, ध्यान देना, यहां पर जो एफ का मान है, एफ का मान एक्स के साथ एक्स है वो इसके गुणा में है, इसके गुणा में है, समझना, यहां पर एफ के साथ जो भी होगा वो चार के गुणा में जाएगा, तो चार के गुणा में जाएगा कौन, चार एक्स प्लस तीन बटे छ एक्स माइनस चार, प्लस तीन लिखेंगे तो लिखो प्लस तीन बटे छः लिखेंगे उसके गुणा में जो यहाँ पर मान होगा वही जाएगा, तो चार एक्स प्लस तीन बटे छः एक्स माइनस चार और माइनस ये चार लिखेंगे बटे एक मान के भिन्न करेंगे इसको बड़ा इसमें, तो चार चौको सोलह एक्स प्लस चार तिया बारह, ये जाएगा छः तिया अठारह एक्स माइनस का चार तिया बारह बटे छः एक्स माइनस चार पूरे का बटे इसको बड़ा इसमें, तो छः का गुणा करो छः चौको चौबीस एक्स प्लस छः तिया अठारह माइनस का इसका गुणा करोगे तो माइनस का चौबीस एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का चार चौको सोलह बटे छः एक्स माइनस चार, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस में है माइनस में है कैंसिल हो गया, एक बार फिर से रिचेक करते हैं, ठीक है, रिचेक करते हैं, ये हो गया छः चौको चौबीस एक्स और ये हो गया माइनस का तीन, मतलब छः चौको चौबीस छः तीन अठारह, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास चार छः चौबीस और चार चौको सोलह, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 एक्स, ठीक, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 24 एक्स बटे,
18 और 16, 16 है ना, 6 18 16, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 24, नहीं ये 8 6 14 बचा 1 34, तो ये भी हो जाएगा 34, इससे ये कैंसिल, ये हो गया एक्स, प्रूफ दैट, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब इतने का आप लोग शॉर्ट करो, फटाफट शॉर्ट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा, तीसरे खा में कैसे क्या करेंगे, तीसरे का खा, तीसरे खा में कह रहा है टेन इनवर्स टू कॉस, फिर टू साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करके दो इन्हें, तब ये दो नंबर देंगे तुम्हें, अन्यथा नहीं देंगे। देखो दो नंबर लेने के लिए क्या क्या करना होगा, एक बार तो हमें टेन इनवर्स, ये हो गया 2 cos, ये लिखो 2 sin, साइन किसका मान जानते हो, ये साइन इनवर्स साइन 30 का मान है, इससे ये कैंसिल, तो 2 3 6 यानी 60, तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 cos 60, तो टेन इनवर्स ये हो गया 2 cos 60 का मान जान, तो 1/2, इससे ये काटो तो ये जगह टेन इनवर्स 1, या तो फिर ये आंसर रख लो, या तो फिर π/4, टेन 1 का मतलब 45, 45 का मतलब π/4, ये आंसर रख लो, जो तुम्हें पसंद आए वही रख लो, हमने मना नहीं किया है। तीसरे का कहा देखो, तो लिखो उत्तर तीसरे का गा, तीसरे का गा में है ये बराबर 10 - 2 - 5 1, ए इनवर्स ज्ञात करो यदि अस्तित्व हो तो। देखो सबसे पहले इसका मॉड ए निकाल लो, तो मॉड ए जब निकालोगे तो 10 1 10 - 5 5 + हो गया 5 × 2 = 10 यानी 0, तो लिखोगे अस्तित्व नहीं है, तो 0 आ गया तो लिखना है अस्तित्व नहीं है, और 0 अगर ना आए तो अस्तित्व में है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा, तीसरे का घा देखो, तो लिखोगे उत्तर तीसरे का घा, तीसरे घा में कह रहा है शिक्षणकार समिति में हड़ताल की प्रायिकता, हड़ताल की प्रायिकता, तो इसको हमने मान लिया पी ए, ठीक, पी ए हड़ताल की प्रायिकता है 0.65, हड़ताल ना होने की प्रायिकता, तो हड़ताल ना होने की प्रायिकता हम लोग पी ए बार अर्थात 1 - 0.65 अर्थात घटाओगे तो 1 का मतलब हो गया है ये 100 हो गया, ठीक 100 मान लो, ये 65 है 100, तो 100 से 65 घटा तो 35 कितना गया, 35 यानी 0.35, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हड़ताल हो ना होने की, फिर से एक बार दिया गया है 0.80, मतलब इसको एक काम करो पी ए बटे ए बार कर लो, तो 0.80, ठीक। इसके बाद पूर्ण होने की 0.32 दिया गया है, पूर्ण होने के लिए क्या दिया गया है उन्होंने, पूर्ण होने के लिए 0.32, ठीक, तो होने के लिए, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं पी बी कर लेते हैं और 0.32। अब इन्होंने कहा है शिक्षणकार समय के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, शिक्षणकार समय के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, तो शिक्षणकार समय के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, शिक्षणकार समय से पूर्ण होने की प्रायिकता, घटना स्वतंत्र नहीं अपवर्जी है, ये दोनों तो स्वतंत्र है, दोनों घटना होने की घटना, तो 0.65 × 0.32 + ये दोनों आपस में स्वतंत्र है, 0.35 × 0.80 गुणा कर लो, तो गुणा आपको करके देते हैं, जब गुणा करेंगे हम लोग 0.65 × 0.32
208 यानी 2.2 0.208 यानी 208, फिर गुणा करो 0.035 इंटू 0.80 0.28। अब इसको जीरो कर लो, जब जोड़ेंगे तो 0.488 यह आ जाएगा आंसर। ठीक, यह आ जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का तो आप लोग लिखोगे उत्तरम चौथे का। चौथे का कैसे करोगे, पेन से करोगे, बाद में दिमाग से करना। बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ, एफ जीरो, एफ का अंतराल दिया गया है 0 से π/2 और जी एक्स बराबर हमारे पास दिया गया है कॉस एक्स और फिर जी का अंतराल दिया गया है 0 से π/2 और ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, बिलोंग्स कर रहा है आर से। ठीक है, और विचार कीजिए कि एफ तथा जी एकाएकी है परंतु एफ प्लस जी एकाएकी नहीं है, सिंगल एफ एकाएकी है, सिंगल एफ एकाएकी है, सिंगल जी एकाएकी है, किंतु एफ प्लस जी को अगर जोड़ दिया जाए तो एकाएकी नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये भाषा टाइप का क्वेश्चन है, पहले आपको लिख देते हैं फिर आपको आसान तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि आप लोग लिखोगे क्योंकि 0 π/2 जो कि ये मान दिया गया है, ठीक है, 0 π/2 के दो भिन्न भिन्न अवयवों के दो भिन्न भिन्न अवयवों ने x1 और x2 को माना। ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव x1 और x2 के लिए साइन x1 और साइन x2 आपस में बराबर नहीं होंगे, दोनों की मान अलग है। साइन 0 का मान अलग होगा, साइन π/2 का मान अलग होगा, साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1, तो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे। और प्लस यहां पर भी cos x1 इज नॉट इक्वल्स टू cos x2, इसीलिए हम लोग कहेंगे f तथा g दोनों ही आवश्यक रूप से एकाएकी है। f तथा g एकाएकी है और f प्लस g की बात करोगे तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि f प्लस g की बात करोगे, है ना, तो एफ प्लस जी अगर यहां पर हम लोग जीरो लगा दे, क्या लगा दे, ऐसे लिखो जैसे फॉग एक्स और गॉप एक्स निकालते हैं वैसे, यहां पर फॉग जीरो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉग जीरो मतलब एफ प्लस जी जीरो। ठीक है, तो यहां पर एफ का मान के रूप में साइन है तो ये हो जाएगा साइन जीरो और जी के रूप में कौन है, कॉस है, जी के रूप में कौन है, कॉस है, तो प्लस कॉस जीरो, तो आपको पता है साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान एक, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप लोग कहोगे कि ये एकाएकी नहीं है, दोनों एकाएकी क्यों नहीं है जानते हो, इसलिए एकाएकी नहीं है, इन दोनों का मान तो अलग अलग आ रहा था, बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इससे हल करोगे ना फिर से एक बार, तो π/2 लोगे ना, तो ये π/2 ये एक हो गया और ये जीरो, फिर से उसका मान एक आ जाएगा, तो दोनों कंडीशन में एक और एक आंसर आ जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये तो भाई क्या नहीं है, एकाएकी नहीं है। दो क्वेश्चन नंबर चौथे का खा, तो लिखोगे चौथे का खा नंबर a वेक्टर बराबर 2i कैप + 2j कैप - 5k कैप, बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा 2i कैप + j कैप + 3k कैप, को योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, लेकिन किसके अनुदिश ज्ञात करना है, योगफल के अनुदिश।
तो पहले इनका योगफल करो, फिर मात्रक निकालना। तो योगफल डायरेक्टली कर रहे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर दो और दो चार आई कैप, ये हो गया प्लस का तीन जे कैप, और ये घटकर माइनस का दो के कैप। इसका मात्रक निकाल लो, मात्रक सदिश, ठीक, परिमाण। तो चार का वर्ग 16, तीन का वर्ग 9, दो का वर्ग 4, प्लस का प्लस लगेगा, 16 चार 20 और अंडर रूट का 29। तो इसका आंसर हम ब्लैक मार्कर से लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये आंसर इसको लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, सब के बटे में अंडर रूट का 29, और यही हो गया तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट जो है दोस्तों इतने का करो शॉर्ट आप लोग। पांचवें का चौथे का घा, चौथे घा दोस्तों अभी अभी हमने आपको सॉल्यूशन करके दिया है, जस्ट सेट पांच के को, सेट पांच के तो छह है, सेट पांच के क्वेश्चन नंबर तीन का बस उसमें दो है, इसमें सात है, सेम टू सेम वैसे ही हल करोगे, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर पांच में का गा है, पांच में गा भी दोस्तों हल हो चुका है, ये भी आपको सेट पांच के क्वेश्चन नंबर सात का का में सॉल्व करा दिया गया है, ठीक। अब देखो तो आगे क्वेश्चन नहीं आता है फिर हम किस लिए है बताएंगे, फिर भी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर देखो पांच में का उत्तर, पांचवें का में लिखा गया है 2 tan inverse अंडर रूट बी बटे ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। इसको प्रूफ करके दिखाना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, 2 tan inverse एक्स का फार्मूला लगाना है। 2 tan inverse एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट बी बटे ए और बटे बी बटे ए 1 माइनस, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट बी बटे ए बटे, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक, भिन्न करके a माइनस बी बटे ए। तो यह जाएगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट बी बटे ए इंटू ए बटे ए माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अंडर रूट का ए बचा, तो ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट में 2 अंडर रूट में ए बी बटे ए माइनस बी। अब एक काम करना है, हमें मानना है, मान लिया, माना tan इनवर्स 2 अंडर रूट में ए बी बटे ए माइनस बी बराबर हमने मान लिया थीटा, इसको उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स खत्म, तो 2 अंडर रूट में ए बी बटे ए माइनस बी बराबर tan थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये आधार, तो समकोण त्रिभुज बना लो। लंब कितना है, लंब हो गया 2 अंडर रूट में ए बी, आधार कितना है ए माइनस बी, हमें ए हो गया ए बी सी और ये थीटा, ठीक। कॉस थीटा का मान निकालना है ना, तो कर्ण निकाल लो, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 4 ए बी हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 ए बी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दे रहे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और घटकर हो गया प्लस का 2 ए बी, तो के स्क्वायर बराबर हो गया फिर से आ गया ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कर्ण बराबर ए प्लस बी, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब कॉस थीटा निकाल लो इससे, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, इसको उधर भेजो तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। थीटा किसका मान है जानते हो, थीटा जो है टेन इनवर्स 2 अंडर रूट में ए बी बटे ए माइनस बी बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ये जानते हो इसको हमने किससे हल किया, ये हल करते 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 आ रहे इसको, तो ये इससे हल हुआ है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan inverse
बी बटे ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, दैट्स प्रूफ, दैट्स प्रूफ। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर पांचवे का खा देखो, तो लिखोगे उत्तर पांचवे का खा, उत्तर पांचवे का खा में ये है कि एक यक्स यक्स स्क्वायर, फिर यक्स स्क्वायर, फिर वन, फिर यक्स, फिर यक्स, यक्स स्क्वायर वन। प्रूफ करना है वन माइनस यक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और अगर जोड़ घटाना करने के अनुसार करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो इसको एक काम करते, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुणा इसमें एक, इसका गुणा इसमें, तो यक्स क्यूब। ठीक, अब माइनस यक्स पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणा इसमें, तो यक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, तो माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर, प्लस यक्स स्क्वायर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका गुणा इसमें, तो एक्स की घाते चार, इसका गुणा इसमें, तो माइनस का यक्स, ये तो कैंसिल जीरो, तो ये आ गया वन माइनस यक्स क्यूब, और प्लस का इसमें यक्स ले लो कॉमन, तो ये जगह एक्स क्यूब, तो ये हो गया वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स क्यूब ले लो कॉमन। ठीक, वन माइनस एक्स क्यूब ले लो कॉमन, नहीं 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 नहीं, ये एक्स क्यूब नहीं, ये क्यूब, एक काम करो इसको माइनस लिखो, तो फिर ये एक्स क्यूब वन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब माइनस वन होना था, तो इसमें वन माइनस एक्स क्यूब ले लो कॉमन, तो बचेगा वन माइनस एक्स क्यूब, अर्थात वन माइनस एक्स क्यूब का हो गया स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवे का घा, देखो पांचवे का घा, पांचवे का घा, तो उत्तर पांचवे का घा, पांचवे घा में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यक्स स्क्वायर बटे चार प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर एक, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा यक्स अक्ष के समांतर है, यक्स अक्ष के समांतर है। देखो तो यक्स अक्ष के समान, सबसे पहले इसका अवकलन करो, इसका जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा दो यक्स बटे दो प्लस यह हो जाएगा दो वाई बटे 25 और डी वाई बाई डी एक्स, जो भी अवकलन करोगे ना इसका हो जाएगा जीरो, इसको उधर भेज दो, तो दो वाई बटे 25 डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस दो एक्स बटे दो, दो से दो कैंसिल, ये जाएगा ऊपर ये जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जब 25 यक्स यानी माइनस का 25 यक्स बटे ये आ जाएगा दो बॉय, दो बॉय। ठीक है, अब यक्स अक्ष के समांतर, यक्स अक्ष के अक्ष लिख लेना हमने, केवल एक्स लिख ला, एक्स लिखा हमने, एक्स के समांतर यानी एक्स अक्ष के समांतर आप लोग पता है कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होता है जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस 25 यक्स बटे दो वाई बराबर जीरो, अर्थात आप लोग कहोगे यक्स बराबर जीरो। इसका मान समीकरण एक में रख लो और समीकरण एक में x का मान को रख लो, तो यह हो जाएगा जीरो हो गया, तो y स्क्वायर बटे 25 बराबर क्या हो जाएगा एक, तो यह ऊपर पहुंच गया, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 25, अर्थात y बराबर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस का 5, तो आंसर आ गया 0, प्लस माइनस 5। अगर आप लोग यहाँ पर y का मान जीरो लेते हो तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो हमने यही बिंदुगत कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर पांचवे का इंग्या, तो दोस्तों पांचवे का इंग्या से लेकर टोटल क्वेश्चन हम लोग पार्ट टू में खत्म कर देंगे। ठीक, तो पार्ट वन में इतना ही दोस्तों, तो आपको इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। अब आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आसान तरीके से पढ़ते रहिए।